हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से होंगे? आज फिर ड्यूटी लगी हुई है, जुमे का दिन है, फ्राइडे। मिसेस की तबीयत ठीक है, मेरा एक टायर पंचर है और दूसरा जो है वो दर्द हो रहा है। ये आज आलू बॉयल कर रहा हूँ। आलू की टिक्की भुजी वगैरह जैसे बनती है वो बनाऊंगा। आलू बॉयल हो चुके हैं काफी हद तक। आगे जो है इरादा है आलू गोश्त का, मुर्गी आलू और उसके गोश्त को बनाकर भून चुन के शोरबे में उसको पानी डालकर शोरबे में इसमें बनाएंगे। आज ये रेसिपी है। आज जो है अब टिक्की बनाते भी दिखाएंगे आपको, आलू वाले मसाले वगैरह डाल के, और जो है आपको आलू गोश्त भी दिखाएंगे बनते हुए। अब ये गोश्त डालना है हमें, आजकल मुर्गी थोड़ी सस्ती हुई है। ये गोश्त आएंगे, इसमें आलू डालेंगे और आलू गोश्त भी बन जाएगा और आलू की टिक्की भी बन जाएगी और साथ रोटी में। उसके बाद आपको दोबारा मुलाकात करते हैं अगले। जी वेल्स, मैं आ गया हूँ। ये मिसेज मेरी जो है जो जल गई थी पाँव जो है, तो ये पहिया मेरा पंचर हुआ हुआ है सबने। दूसरी बात, जुमे का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है कि जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती, नबियों से लेकर मुर्दों तक। तो अल्लाह का जो है रूह है ना, रूह को आप जो है ना, ये गजा है रूह उसके, अल्लाह का जो कलाम है वो रूह की गजा है और जो हमारी गजा है वो हम बना रहे हैं। तो वीर जी, आज आलू गोश्त जो है ये टिक्की वगैरह ये बना रहा हूँ, ये भी मेरे साथ साथ है क्योंकि ब्रीव करते रहते हैं और मैं आगे आगे चलता रहता हूँ। ये ऐसे लगाने मेरी हदायत है, कार है और मैं आगे। असल में भी देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 12 दिन हो गए हैं ये जो है ना अभी तक ठीक नहीं हुआ, ये जला हुआ है, अभी उतर रहा है ये टिक्की वगैरह। अल्लाह पाक की बहुत रहमत हो रही है फिर भी आपकी दुआओं के सदके। तो असल में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मिसेज है मेरी, बहुत ख्याल रखती है बच्चों का, हर चीज का। और दो मियां बीवी जो होते हैं, ये पहिए दुनिया कहती है कि नहीं दो पहिए, तो ये हम दोनों आपस में जिंदगी इसी तरह गुजारनी चाहिए। ये बेहतरीन अल्लाह पाक और नबी का रिश्ता है, मियां बीवी का, और औलाद उसके ऊपर तोहफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आजकल आप हमारी वीडियो में देख रहे होंगे, माशाल्लाह बहुत मजेदार और जायकेदार खाने बन रहे हैं। माशाल्लाह, पहले मेरी फ्रेंड आई हुई थी, उन्होंने परसों बुकिंग की है, करेले गोश्त बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। और आजकल मेरे मियां साहब कुकिंग कर रहे हैं और मेरी बेटी साहब, दोनों मिलजुल के बाप बेटी आजकल कुकिंग करते हैं। कल इन्होंने दाल चावल बनाए हुए थे, आज इनका इरादा है आलू की टिक्कियां यानी आलू की शामियां बनाने का, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी वो भी। माशाल्लाह आमिर के हाथ में बहुत जायका है। और खासकर आज मैं स्पेशल थैंक्स अपने मियां का करना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड का, जो मेरा इतना साथ दे रहे हैं। मैं बहुत तकलीफ में हूँ ये पाँव की वजह से, आपने देखा होगा मेरा पाँव, अभी तक पाँव मैं जमीन पे नहीं रख सकती ना, बहुत तकलीफ है इसको, पेन है इसमें बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं किचन में भी नहीं जा रही उसकी वजह से। मेरे मियां बहुत आजकल मेरी हेल्प कर रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे अल्लाह पाक। तो मियां भी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, मिलजुल के अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाते हैं। मैं कहता हूँ फूल बन जाए या पहिए 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 ही करते हैं दुनिया, दो फूल है। बहुत शुक्रिया आमिर का कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया इतनी तकलीफ में, मुझे हॉस्पिटल भी लेके जाते रहे, घर को भी संभाला, बच्चों को भी गाइड किया। मेरी बेटी का भी बहुत शुक्रिया जिसने पूरे घर को देखा, और खाना वगैरह भी पापा के साथ हेल्प करवाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसी तरीके से तरीके भी आ जाते हैं बच्चों को घर के संभाल लेके, सलीका भी आ जाता है। तो इंशाल्लाह अब आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह हम आलू किस तरह बनते हैं। आलू गोश्त ये बॉयल कर रही है आलू, अब ये मसाले मैं बनाकर लाया हूँ, अब ये मसाले इसके ऐड करेंगे थोड़े थोड़े इसमें। ये जरा रेसिपी जरा मज़ेदार होती है क्योंकि आलू बिल्कुल ऐसे टिके होते हैं। चले ये जरा मिर्च डाली है, दड़ा मिर्च थोड़ी सी डाली है, साथ नमक डाला है, काली मिर्च डाली है और बना रहे हैं, इसे मिक्स कर रहे हैं। ये सारा इसको जो है ना मसाला ये सारा मिक्स हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको देखते हैं।
मैं और पापा आलू की टिक्कियां बना रहे थे, तो ये देखें यहाँ पर हमने रेडी करके रख ली है। अब इसको हम लोग फ्रीजर में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है ये खुले ना। उसके बाद हम फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे और सालन बनाएंगे वो भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, यहाँ पर हमने चिकन वॉश करके रख लिया है, आलुओं को काट लिया है, ये टमाटर है और ये प्याज हमने काट के रख लिए हैं। इधर फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल ऐड कर दिया और ये प्याज। प्याज और इधर हमने तवा रख दिया है, इधर हम टिक्कियां जो है फ्राई करेंगे। ये टमाटर भी हम डाल देंगे, इसमें डाल दें सब कुछ ही एक साथ। ये गोश्त और प्याज भून लगे, हल्दी, ये हल्दी डाली है हमने। अब इसमें मिर्च ऐड करेंगे, मिर्च हो गई थी लाल, नमक, ठीक हो गया। आपके लिए अंडे हमने रेडी कर लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। ये मसाला हम डाल दिया, टमाटर और प्याज में गोल्डन कर रहे हैं, फिर इसमें आलू और प्याज पानी डाल, अभी ये भून जाएगा, भूनने के बाद क्या होगा। और यहाँ पर ये आलू वाली टिक्के बनाए थे, ये दुआ बना रही है साथ साथ। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और माशाल्लाह उसके साथ उस पापा की कुकिंग और साथ ये जी आपको बाहर का मौसम भी दिखाते हैं। ये देखें जी मुल्तान का मौसम। आलू वाली छाननी है और ये जो है ये पानी ऐड करके ये आलू छोल देगा। अब इसमें आलू डाल देंगे ताकि जो आलू इसमें डाल दें अलग अलग। ये हमारी आलू गोश्त प्याज वगैरह टमाटर हर चीज पहले डाल देते हैं, फ्राई कर दिए, मसाला वगैरह बना दिया था, थोड़ा सा पानी ऐड करना बेटा। ये देखे जी तोते हमारे 6 थे, 4 रह गए हैं, 2 मर गए हैं, कि अभी तक इन्होंने भी नहीं। ये देखे जी कबाब हमारे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। अब हम इसको आपको प्लेट में डाल के डिश आउट करके फिर आपको एंड दिखाएंगे। ओके ये जी मजेदार चिकन का शोरबा, आलू बिल्कुल रेडी है, आमिर के हाथों का जबरदस्त किस्म का जायकेदार खुशबू भी बहुत जबरदस्त आ रही है। आलू की टिक्कियां, आलू की शामियां माशाल्लाह ये देखते हैं। और ये बोतल और ये कैचअप, ये रोटियां भी दिखाई ना।
अल्लाह आपको अल्लाह हाफिज। अब हम खाना खाएंगे फिर इंशाल्लाह जिंदगी भर खैर मुलाकात हो।